स्टूडेंट टुडे वी आर स्टार्टिंग आर नेक्स्ट चैप्टर नेम इज फंक्शन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी भारतीय प्रजातंत्र की कार्य प्रणाली ठीक है कि जो प्रजातंत्र है जो डेमोक्रेसी है वो किस तरीके से काम करती है ना ये हम आज इस चैप्टर में जानेंगे तो पहले डेमोक्रेसी में आपको बता चुकी हूँ क्या होती है अब आप, आप जानेंगे ध्यान से देखिएगा और जहाँ जहाँ मैं अंडरलाइन करने को कहूँ आप वहाँ अंडरलाइन करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप नोट डाउन भी करेंगे सो so मैं रीड करती हूँ इंडिया इज एन इम्पॉर्टेंट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन द वर्ल्ड भारत विश्व का सबसे प्रमुख लोकतांत्रिक रिपब्लिक मीन्स गणराज्य है पूरे विश्व में द फ्रेमर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडोप्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भारत में जो संविधान निर्माता थे उन्होंने संसदीय शासन प्रणाली यानी पार्लिया दो तरह की शासन प्रणाली हमारे यहाँ काम करती है मैंने आपको पहले के चैप्टर में भी बताया एक पाल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और दूसरा है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो जो संविधान निर्माता थे जो फ्रेमर थे फ्रेमर मीन्स बनाने वाले उन्होंने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया है under this system the executive at the center is responsible to the parliament and the executive is in the state is responsible to the legislative assembly is pranali mein jo central central hai jo central hai वहाँ जो executive है executive means मैंने आपको बताया था एक बताया था legislative दूसरा executive और तीसरा था judiciary तो legislative जो है वहाँ पर लेजिस्लेटिव जो है जो कार्य करने वाली प्रणाली है वो क्या कर रही है जो कार्यपालिका है लेजिस्लेटिव नहीं एग्जीक्यूटिव जो है वो पूरी संसद के लिए रिस्पॉन्सिबल है ठीक है जो एग्जीक्यूटिव जो काम करते हैं उनका रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है वो पूरी पार्लियामेंट के लिए ये सेंट्रल में मैं बता रही हूँ आपको इसी तरीके से अगर हम स्टेट में आएंगे तो स्टेट में जो लेजिस्लेटिव है वो किसके लिए किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो भी लेजिस्लेचर के लिए वहाँ पे विधानसभा के लिए है ना रिस्पॉन्सिबल है ठीक है अब यहाँ पर एग्जीक्यूटिव जो है या जो कार्यपालिका है एग्जीक्यूटिव मीन्स कार्यपालिका मैंने आपको तीन चीज़ें पहले बताई कि जो लेजिस्लेचर जो है वो नियम और कानून रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे लॉ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे उनको इम्प्लीमेंट करने का काम होगा एग्जीक्यूटिव का ठीक है तो जो एग्जीक्यूटिव है यहाँ पे वो टू टाइप की द एग्जीक्यूटिव इज ऑफ टू टाइप्स वन इज नॉमिनल एंड द अदर वन रियल बेस्ड ऑन द पावर रियल और उसको हम एक्चुअल भी बोलेंगे ठीक है नॉमिनल और एक्चुअल और रियल ठीक है ऑन द पावर देर आर एबल टू एक्सरसाइज द फ्रेमर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैव अडोप्टेड अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर इंडिया इन विच देयर इज अ मिक्स ऑफ यूनिटरी एंड फेडरल सिस्टम मैंने अभी आपको जस्ट ऊपर बताया कि इंडिया में दो तरह का सिस्टम अडोप्ट किया गया वन इज फॉर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट संसदीय शासन प्रणाली एंड सेकेंड इज फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट संघीय शासन व्यवस्था ठीक है तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी यहाँ पर काम करता है देयर इज वन गवर्नमेंट फॉर द होल कंट्री अब फेडरल फॉर्म क्या है ध्यान से सुनिए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है तो मैं आपको बता रही हूं देयर इज अ वन गवर्न गवर्नमेंट फॉर द होल कंट्री विच इज नोन विच इज नोन एज फेडरल और सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक है तो दो शासन प्रणाली काम कर रही है यहाँ पर एग्जीक्यूटिव और फेडरल तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है कि दो तरह की गवर्नमेंट होती हैं। ठीक है थीके? एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी होती है स्टेट गवर्नमेंट ठीक है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दो तरह की गवर्नमेंट काम करती हैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट और सेकेंड इज स्टेट गवर्नमेंट ठीक है हर पूरे सेंट्रल में सिर्फ एक गवर्नमेंट है और हर एक स्टेट के लिए हर एक स्टेट के लिए एक एक स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर काम करती है ठीक है डिवीजन ऑफ पावर्स एंड जिडन बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट सबके क्या है यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा राज्य सरकार जो है और केंद्र सरकार जो है उनके मध्य में है ना सेंट्रल और स्टेट गवर्न के गवर्नमेंट के बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में सेपरेशन ऑफ पावर्स है क्या है जो जितनी भी शक्तियां हैं या जो भी पावर्स हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि स्पष्ट रूप से क्लैरिफाई की गई है कि कौन कौन सी पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है और कौन कौन सी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है ठीक है तो इस तरीके से ये डिवीजन ऑफ पावर यहाँ पर दिया गया है प्रत्येक राज्य की एक सरकार है और केंद्र में एक सरकार अलग है ठीक है अब दोनों के मध्य पावर्स का दोनों के बीच में पावर्स का और आ, 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 एरिया का किस किस क्षेत्र में वो काम करेंगे जो रिडिक्शन एरिया जो है पावर है जो वो स्पष्ट बंटवारा किया गया है ठीक है अब भारतीय प्रशासन व्यवस्था जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो क्या क्या सिस्टम फॉलो करता है हम वो जानेंगे तो अभी मैंने आपको फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऊपर बताया था वन इज सेंट्रल गवर्नमेंट सेकेंड इज स्टेट गवर्नमेंट एंड थर्ड इज लोकल गवर्नमेंट तीन तरह की सरकार व्यवस्था साथ गवर्नमेंट व्यवस्था काम करती है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट ठीक है द सेंट्रल गवर्नमेंट कम प्राइज द प्रेसिडेंट द प्राइम मिनिस्टर द कैबिनेट मिनिस्टर इंडियन पार्लियामेंट एंड सुप्रीम कोर्ट ई टी सी अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर नेक्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स नेक्स्ट जो इंडियन पार्लियामेंट है जो संसद है वो और और सुप्रीम कोर्ट ठीक है ये किसमें आ रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में ठीक है अब हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट में क्या? क्या क्या इंक्लूड होता है द स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूड द गवर्नर वहाँ सेंट्रल में प्रेसिडेंट है और स्टेट में गवर्नर हैं अब हम सेंट्रल की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर है और स्टेट में कौन है चीफ मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर्स पार्लियामेंट वहाँ भी है सेंट्रल गवर्नमेंट में भी और कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं है। स्टेट में भी ठीक है और वहाँ जो रोल इंडियन पार्लियामेंट प्ले करती है वही रोल स्टेट में विधानसभा प्ले करती है ठीक है और जो रोल सुप्रीम कोर्ट का है सेंट्रल में वो रोल वही की वही रोल हाई कोर्ट का है स्टेट में ठीक है तो आपको पता चल गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या क्या चीजें इंक्लूड है और स्टेट गवर्नमेंट में कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूड हैं अब हम बात करेंगे लोकल गवर्नमेंट की लोकल गवर्नमेंट इंक्लूड्स म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन म्यूनिसिपैलिटीज डिस्ट्रिक्ट पंचायत जनपद पंचायत एंड ग्राम पंचायत लोकल गवर्नमेंट का मतलब है स्थानीय स्वशासन क्या है स्थानीय स्वशासन ठीक है अब स्थानीय स्वशासन में जैसे गुना जिला है तो गुना जिले के जो स्थानीय कार्य जो होंगे उनको कौन करेगा है ना गुना के गांवों के कार्यभार कौन संभालेगा और शहरी व्यवस्था कौन कौन संभालेगा इसके लिए लोकल गवर्नमेंट होती है तो जो बड़े शहर होते हैं जैसे मैं अगर मध्य प्रदेश के आ, उसमें एग्जाम्पल दूं तो होंगे जैसे इंदौर ग्वालियर जबलपुर सागर भोपाल ईटी से ठीक है जहाँ अधिक जनसंख्या वाले जो क्षेत्र हैं जो आ, जिले हैं है ना वहाँ पर होंगे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो तो छोटी जनसंख्या वाले जिले कम जनसंख्या वाले जिले हैं वहाँ होंगी म्यूनिसिपल म्यूनिसिपैलिटीज़ आपने गुना में देखा होगा म्यूनिसिपैलिटीज़ का मतलब है नगर पालिका तो आपने गुना नगर पालिका देखी होगी इनका कार्य क्या है जैसे अगर स्ट्रीट लाइट नहीं है प्रॉपर सड़कों पर अंधेरा तो स्ट्रीट लाइटिंग का जो अरेंजमेंट है वो किसका काम है लोकल गवर्नमेंट का काम है म्यूनिसपलपैलिटीज़ का काम है और इसी के साथ साथ ड्रिंकिंग वाटर पेयजल अरेंजमेंट भी इन्हीं का काम है इसी के साथ साथ साफ़ सफाई की व्यवस्था बनाए रखना भी इन्हीं का काम है इसी तरीके से अगर हम गाँव में जाएंगे तो एक डिस्ट्रिक्ट पंचायत होती है जिला पंचायत है जिला पंचायत के नीचे जाएंगे तो जनपद पंचायत है और इसके भी नीचे जाएंगे तो विलेज पंचायत है आगे जाके इस चैप्टर में हम पूरा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या लोकल गवर्नमेंट पढ़ेंगे अभी सिर्फ मैं इतना ही बताऊंगी आपको फॉर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन द कंट्री इज डिवाइडेड इन टू स्टेट रिवेन्यू डिवीजन डिस्ट्रिक्ट तहसील एंड विलेज इन दिस वे द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप इज प्रॉपरली ऑर्गेनाइज फ्रॉम टॉप टू बॉटम ठीक है अब सारी लोकतंत्रीय पद्धति जो है या जो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है उसको पूरी प्रॉपर व्यवस्था बनाए रखने के लिए देश को हमने कई हिस्सों में बांट दिया जैसे कि पहले स्टेट लेवल पर उसके बाद डिवीजनल लेवल पर डिवीजनल लेवल में संभाग लेवल पर उसके बाद कई सारे डिस्ट्रिक्स हैं उसके बाद कई सारी तहसील हैं उसके बाद छोटे छोटे विलेजेस की यूनिट्स हैं तो इस तरह से हमने जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको टॉप टू बॉटम मतलब ऊपर से नीचे तक पूरा बांटा हुआ है और जो एक दूसरे के साथ एक कड़ी में जुड़ा हुआ है ठीक है अब पेज नंबर टू पर आते हैं हम इसके ठीक है अब यहां पर एक आपको पूरा एक चार्ट दिखाई दे रहा है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है ना किस तरीके से इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम काम करता है वो हम यहाँ पर देखेंगे ठीक है ठीक है कैसे कैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव काम एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काम करता है तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को हमने बेसिकली फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो मैंने आपका उसके फॉर्म में देखे तो टू पार्ट्स में डिवाइड किया है वन इज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेकेंड इज स्टेट गवर्नमेंट ठीक है अभी मैंने आपको बता दी थी पहले ही कि सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन कौन इंक्लूड है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर ठीक है उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर्स कैबिनेट मिनिस्टर्स के बाद आया था इंडियन पार्लियामेंट और इंडियन पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट जस्ट लाइक दैट इन स्टेट गवर्नमेंट इसमें क्या क्या इंक्लूड है इसमें इंक्लूड है गवर्नर uh, ठीक है चीफ मिनिस्टर ठीक है कैबिनेट मिनिस्टर्स विधानसभा और विधानमंडल एंड हाईकोर्ट ठीक है ये सारी चीजें इनमें इंक्लूड होती है अब सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या काम है वट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें भी कौन कौन से पार्ट्स काम कर रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट में भी कौन कौन से पार्ट काम कर रहे हैं अब हमें यहां पर यह देखना होगा तो फर्स्ट पार्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट का वो दैट इज लेजिस्लेचर सेकेंड इज एग्जीक्यूटिव थर्ड इज जुडिशरी सो so, लेजिस्लेचर अब यहां पे लेजिस्लेचर का क्या काम है लेजिस्लेचर का काम है लेजिस्लेचर को हिंदी में हम बोलते हैं व्यवस्थापिका लेजिस्लेचर का जो फंक्शन है वो है मेकिंग रूल्स एंड लॉस ठीक है अब सेकेंड इज एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव का फंक्शन है जो रूल्स और रॉल्स, लॉज और जो पॉलिसीज लेजिस्लेचर में बनी है उनको इंप्लीमेंट करना इंप्लीमेंट करना मीन्स उनको लागू करवाना या करना थर्ड इज जुडिशरी जुडिशरी का मतलब क्या है न्यायपालिका अगर देखिए संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स और लॉ लॉज बनाए गए हैं या जो लेजिस्लेचर ने जो रूल्स और लॉज बनाए हैं उनको अगर तोड़ा मरोड़ा जाता है तो जुडिशरी का काम यहाँ पर काम अगर कोई नियम बनाया है और वो ठीक तरीके से एग्जीक्यूटिव नहीं एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है या वो कॉन्स्टिट्यूशनल में जो चीज़ें दी गई उसके अगेंस्ट काम कर रहा है तो जुडिशरी उसको नल एंड वाइड बोल सकती है उसको टोटल खत्म कर सकती है निरस्त कर सकती है ठीक है इसी तरीके से हम अगर स्टेट गवर्नमेंट में आएंगे तो यहां अगेन लेजिस्लेचर ठीक है अगेन यहां क्या होगा लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी वही फंक्शन वही सेम फंक्शन जो सेंट्रल गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर का है मेकिंग रूल्स लॉज एंड पॉलिसीज एग्जीक्यूटिव का काम क्या आता है यहां पर उनको इम्प्लीमेंट करना और जुडिशरी का काम है अगर रूल्स लॉ के अकॉर्डिंग काम नहीं हो उनको तोड़ा जा रहा है तो वहां पर उनको खत्म करना या एक्शन लेना ठीक है अब हम आते हैं लेजिस्लेचर ठीक है अब हम आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्ट में लेजिस्लेचर लेजिस्लेचर के यहाँ दो पार्ट बताए गए हैं एक है पार्लियामेंट इसको हम लोकसभा भी बोल सकते हैं ठीक है क्या बोलेंगे लोअर हाउस और लोकसभा कुछ भी बोल सकते हैं सेकेंड इज काउंसिल ऑफ स्टेट और काउंसिल ऑफ स्टेट को कहा जाता है राज्यसभा लोकसभा इट मींस हाउस ऑफ पीपल ठीक है पार्लियामेंट में दो लेजिस्लेचर में दो पार्ट हैं वन इज पार्लियामेंट पार्लियामेंट में हम लोकसभा और लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं और लोअर हाउस भी कहते हैं सेकेंड इज काउंसिल ऑफ स्टेट इट मीन्स राज्यसभा ठीक है इट मीन्स राज्यसभा ठीक है अब ये किस तरीके से काम करेंगे इसी तरीके से अब हम स्टेट गवर्नमेंट में इसी के पैरल सॉरी अब एग्जीक्यूटिव में देख लेते हैं हम सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव में देख लेते हैं अभी हमने लेजिस्लेचर में डिवाइड किया था अब हम एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव में है प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में प्राइम मिनिस्टर इंक्लूड होते हैं क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो हेड होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर ठीक है अब हम जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट में इस लेजिस्लेचर भी यहां भी दो पार्ट में डिवाइडेड है वन इज लेजिस्लेटिव असेंबली इसको हम विधानसभा कहते हैं और सेकेंड इज लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान मंडल और विधानसभा कई भारत में पांच छह ऐसे राज्य हैं जहां विधानमंडल या लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं तो अधिकांश राज्यों में केवल लेजिस्लेटिव असेंबली अगर हम एम की मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां केवल लेजिस्लेटिव असेंबली ही है अब अगर हम एग्जीक्यूटिव की बात करें यहां पर तो एग्जीक्यूटिव में होते हैं सबसे पहले गवर्नर सेंट्रल में कौन था एग्जीक्यूटिव में सबसे पहले प्रेसिडेंट तो मैं आपको बताना चाहूंगी मैक्सिमम जो, जो रोल मैक्सिमम मैक्सिमम जो जो रोल maximum, जो रोल प्रेसिडेंट का सेंट्रल uh, गवर्नमेंट में होता है uh, बहुत सारे फंक्शंस गवर्नर उसके एक जैसे होते हैं और जो काउंसिल ऑफ जो वहां जो काम करती है वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहा काम करती है स्टेट में ठीक है वहां काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर और यहां पर होते हैं चीफ मिनिस्टर ठीक है Minister, स्टेट में हम चीफ मिनिस्टर अब थर्ड हम जाएंगे तो यहाँ जुडिशरी तो जुडिशरी में जो काम सुप्रीम कोर्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए वही काम स्टेट गवर्नमेंट में एज अ जुडिशरी हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के नीचे होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस तरीके से पूरी जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको डिस्क्राइब किया गया है ठीक है अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट संघीय शासन प्रणाली जो है या संघात्मक शासन प्रणाली जो है उसके क्या लक्षण हैं ठीक है थीके? तो जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करूँगी कैसे इस सेकेंड पैरा अगर हम पढ़ते हैं इसका द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अंडर विच पावर ऑफ द गवर्नमेंट आर डिवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है जो संविधान द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान निर्माता में फ्रेमर्स ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उसमें जो व्यवस्था की गई है उसमें यह व्यवस्था की कि दो तरह की सरकारें बनाई गई हैं वन इज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेकेंड इज स्टेट गवर्नमेंट ठीक है और, और दोनों के बीच में पावर्स को डिवाइड किया गया है तो अगर हम फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की डेफिनेशन देखें वन लाइन डेफिनेशन देखें तो इट इज सेपोरेशन ऑफ पावर्स सेपोरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन बिल्कुल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लैरिफाई किया गया है कि कौन कौन से पावर जो है वो हम सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए जा रहे हैं और कौन कौन से पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को दिए जा रहे हैं बिल्कुल क्लियरली उसमें लिखा गया है और दोनों की ही पावर्स का जो सोर्स है वो क्या है कहा से मिल रहे हैं इनको ये कॉन्स्टिट्यूशन से मिल रहे हैं ठीक है हमारे जो सुप्रीम जो है वो क्या है सुप्रीम अथॉरिटी हमारे यहाँ क्या है द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है सुप्रीम पावर है सबसे ऊपर है द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज जनरली डिफिकल्ट एंड सुप्रीमिश जुडिजरी इज इसशियल इसलिए हमारा संविधान जो संविधान में जो अमेंडमेंट जो चेंजेस किए जाते हैं उसकी जो प्रोसेस है थोड़ी सी टफ रखी गई है उसको कठिन बना गया है ताकि उसकी जो सुप्रीमेसी है जो सर्वोच्चता है वो बनी रहे उसे आसानी से कोई ना बदल पाए और यहाँ पे जुडिशरी भी बनाई गई है न्यायपालिका भी बनाई गई है ताकि कोई गड़बड़ ना हो ठीक है तो यहाँ संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है जो बदलाव की प्रक्रिया है वो कठिन है और जो न्यायपालिका है वो बिल्कुल मुक्त है सबसे ऊपर उसको रखा गया है ठीक है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसीलिए थोड़ा सा रिजिड है और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है सो सच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और इस तरह की जो शासन प्रणाली है जो व्यवस्था है उसको हम कह रहे हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया हैज बीन टर्म्ड इंडिया हैज बीन टर्म्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट जो भारत का संविधान है जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भारत को या इंडिया को क्या कहा गया है इसको अंडरलाइन करिए फेडरेशन ऑफ स्टेट क्या कहा गया है फेडरेशन फेडरेशन ऑफ स्टेट ठीक है क्या कहा गया है मैं अंडरलाइन करती हूँ आपके लिए फेडरेशन ऑफ स्टेट राज्यों का संघ ठीक है क्या बोलेंगे इसको राज्यों का संघ ठीक है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेडरल गवर्नमेंट आर प्रेजेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो जितने भी भारत का जो संविधान है उसमें जो फेडरेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो सारे ही मौजूद हैं ठीक है कैसे इन द फेडरल फॉर्म द यूनियन एंड स्टेट फंक्शन विद इन द लिमिट्स ऑफ देयर राइट्स एंड पावर्स गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने बिल्कुल ही बहुत सारे पावर्स और जो भी उनके राइट्स हैं उनकी सीमा तय कर दी है कि उन लिमिट्स बना दी कि क्या क्या काम स्टेट गवर्नमेंट करेंगे और क्या क्या काम सेंट्रल गवर्नमेंट करेंगे ठीक है अगर हम प्रेजेंटली इन इंडियन फेडरेशन देर आर ट्वेंटी नाइन स्टेट्स एंड सेवन सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट वर्तमान में हम भारत की बात करें तो यहां पे ट्वेंटी नाइन स्टेट्स और सेवन केंद्र शासित प्रदेश हैं द फेडरल कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूश इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम आर एस फॉलो क्या क्या लक्षण है या क्या क्या कैरेक्टर्स हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के वो हम हम यहां पर पढ़ेंगे ठीक है ठीक है तो नेक्स्ट पेज इज पेज नंबर टू वन थ्री पर आएंगे वन इज ड्यूअल गवर्नमेंट है ना ड्यूअल गवर्नमेंट मींस दो सरकारें या दोहरी सरकारें जिसे मैं अभी तक बता के आ रही हूं कि फेडरल फॉर्म में दो सरकारें काम करती है वन इज सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को हम यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं और सेकेंड इज स्टेट गवर्नमेंट ठीक है तो दो सरकारें हो गई डुएल मींस ड गवर्नमेंट मीन्स दो सरकारें वन इज यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेकेंड इज स्टेट गवर्नमेंट देयर इज एन एग्जीक्यूटिव इन द यूनियन वेयर अ लेजिस्लेचर ऑफ पीपुल सॉरी एग्जीक्यूटिव इन द यूनियन वेर देयर इज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड देयर आर प्रेसिडेंट द प्राइम मिनिस्टर एंड देयर इज देयर इज अ लेजिस्लेचर पार्लियामेंट लेचर ऑफ पीपुल रिप्रेजेंटेटिव। इसमें कौन कौन होता है देखिए जब यूनियन गवर्नमेंट है उसमें पहला है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री किसके लीडर हैं वहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के और देयर इज अ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेश पीपल और ये किसके प्रतिनिधि हैं ठीक है मैं आगे बता रही हूँ आपको इसी प्रकार राज्यों में भी कार्यपालिका और व्यवस्थापिका है कार्यपालिका मीन्स एग्जीक्यूटिव और व्यवस्थापिका मीन्स लेजिस्लेचर ये कहाँ पर है और यहाँ पर भी देखिए आप सुनिए सिमिलरली इन द स्टेट ऑल्सो देयर इज एन एग्जीक्यूटिव एक कार्यपालिका है दूसरा लेजिस्लेचर वेयर वेयर इन देयर आर गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अंडर द चीफ मिनिस्टर वहां पर अंडर द प्राइम मिनिस्टर है काउंसिल ऑफ स्टेट सॉरी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में और यहाँ पर है चीफ मिनिस्टर और एंड अ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेटिव ठीक है यहाँ पर लोगों की जो आम जनता उसका रिप्रेजेंटेशन कहाँ होता है उसके रिप्रेजेंटेटिव कहाँ बैठते हैं जनता के बताइए चलिए मैं बताती हूँ लेजिस्लेटिव असेंबली में दिस अरेंजमेंट इज नोन एज डुएल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और ऐसी व्यवस्था को जहां दो सरकारें एक साथ काम करती हैं यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ऐसे फॉर्म को या ऐसे अरेंजमेंट को हम कहते हैं डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दोहरी शासन व्यवस्था नंबर दो डिवीजन ऑफ पावर डिवीजन ऑफ पावर देयर इज द डिविजन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है संविधान में यूनियन मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के बीच में जो पावर्स को है वो क्लियरली डिवाइड किया गया है ठीक है क्लियरली डिवाइड किया गया अकॉर्डिंग द सेंट्रल एंड द स्टेट मेक लॉज एंड रल्स द एडमिनिस्ट्रेटिव एज पर द सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट अंडर देयर जुडिडिक्शन ठीक है इसी प्रकार राज्यों में भी इसी प्रकार अगर हम देखें संविधान में संघ और सरकार राज्य सरकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार मतलब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में उन्हें बहुत सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं और वो अपने अपने सब्जेक्टों पर ही कानून बनाएंगी और उस पर ही काम करेंगी द पावर्स हैव बीन एलोकेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन द फॉलोइंग मैनर और किस तरीके से कुछ जो पावर्स हैं वो कुछ लिस्ट बनाई गई हैं उनमें बिल्कुल क्लैरिफाई किए गए हैं तो पहली लिस्ट जो है जिसे हम कहते हैं यूनियन लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट भी कह सकते हैं इसमें 97 सब्जेक्ट नेशनल इंपॉर्टेंस के जो सब्जेक्ट्स सा हैं उन्हें शामिल किया गया है इन विच सब्जेक्ट लाइक डिफेंस जैसे भारत की रक्षा से संबंधित डिफेंस मीन्स रक्षा भारत की सुरक्षा और रक्षा से संबंधित जितने भी मैटर्स होंगे सभी को सभी पर लॉ uh, मेकिंग का uh, काम और उनको देखने का काम केवल और केवल यूनियन गवर्नमेंट करेगी या सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी नंबर दो फॉरेन अफेयर्स मतलब विदेशों से संबंध विदेशी मामले फॉरेन अफेयर्स मीन्स विदेशी मामले तो इन पर भी कानून बनाने का जो अधिकार होगा जो विदेशों से संबंधित होंगे वो सारे कार्य कौन करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी जैसे हमें कौन सी कंट्रीज़ के साथ कौन सी आ, किस कंट्री के साथ कौन सी आ, ट्रीटीज एग्रीमेंट मतलब समझौता संधि किससे हमें फ्रेंडली रिलेशन रखने हैं किस कंट्री के साथ हमको आ, अपना व्यापार करना है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है किस कंट्री से हमें क्या चीज़ खरीदनी है है ना ये सारे जो मैटर्स होंगे जो फॉरेन अफेयर्स के ये सारे जो हैं वो किसके अंदर रखे जाएंगे यूनियन लिस्ट के अंदर रखे जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट का इसमें कोई भी आ, हस्तक्षेप नहीं होगा कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं वो नहीं डिफेंस फोर्सेस हमारे जो रक्षा सेनाएं हैं जो सेना सेना डिफेंस फोर्सेस मतलब सेना सेनाओं से संबंधित जितने भी डिसीजन लेगा वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेगी या यूनियन गवर्नमेंट ही लेगी स्टेट गवर्नमेंट उसमें बीच में इंटर इंटरप्ट नहीं करेगी हस्तक्षेप नहीं करेगी फाइनेंस वित्तीय मामले फाइनेंस मीन्स मतलब वित्तीय पैसे से संबंधित जितने भी मामले होंगे फाइनेंस से वो सारे जो है आ, कौन देखेगा सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी इसके अलावा जो रेलवेज है और जो कम्युनिकेशन संचार और रेलवेज रेलवेज ये सारे इनसे जुड़े जो भी मैटर्स होंगे वो यूनियन लिस्ट में शामिल हैं और इन पर रूल्स रेगुलेशंस, और लॉस फ्रेमिंग का जो फंक्शन है वो काम जो है वो कौन करेगा केवल यूनियन गवर्नमेंट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी स्टेट गवर्नमेंट का इससे कोई लेना देना नहीं होगा नेक्स्ट स्टेट लिस्ट अभी हमने कौन सी बात करी कि यूनियन लिस्ट मतलब यूनियन गवर्नमेंट कौन कौन से 97 सब्जेक्ट पर काम करेगी अब हम स्टेट गवर्नमेंट लिस्ट पर आते हैं तो इसी तरह से 97 सब्जेक्ट्स को रखा गया है यूनियन लिस्ट में जस्ट लाइक दैट स्टेट स्टेट लिस्ट में रखा गया है सिक्सटी सब्जेक्ट्स को ठीक है तो इसमें क्या क्या है 62 सब्जेक्ट्स ऑफ रीजनल इम्पोर्टेंस रीजनल मतलब प्रादेशिक तौर पर जो जरूरी हैं वो हैं लाइक जस्टिस मतलब न्याय व्यवस्था मतलब न्याय मतलब न्याय से आशा यहां है कि इस सूची में जस्टिस न्याय पोलिस एजुकेशन एग्रीकल्चर सोशल वेलफेयर को रखा गया है ठीक है अब मान लीजिए कोई न्याय व्यवस्था है मतलब हर एक राज्य का अपना एक हाई कोर्ट है उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं है ना जैसे कोई लड़ाई झगड़ा किसी व्यक्ति का हो जाता है या कोई चोरी का केस होता है है ना तो इस तरह इसके लिए हम तुरंत न्याय के लिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट तो इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी और हम सुप्रीम कोर्ट तो नहीं जाएंगे सीधे तो इसमें स्टेप बाय स्टेप्स जूडिडिक्शन है जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट है और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है ठीक है इसके अलावा एग्रीकल्चर तो मध्य प्रदेश में कृषि व्यवस्था कैसी होगी कौन सी फसलें बोई जाती हैं पान, इरीगेशंस वहाँ पर कैसा होगा ये सारे अरेंजमेंट करने का काम जो है वो स्टेट लिस्ट में साम वो स्टेट गवर्नमेंट देखेगी सोशल वेलफेयर है ना तो हर स्टेट में सोशल वेलफेयर या समाज कल्याण के लिए आ, 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 समाज के कल्याण के लिए बच्चों के वेलफेयर वेलफेयर के लिए क्या काम किया जाएगा और वुमन्स के वेलफेयर के लिए क्या काम कल्याण के लिए क्या काम किया जाएगा ये सारे मैटर स्टेट लिस्ट में शामिल हैं ठीक है तो एजुकेशन अब कैसी एजुकेशन होगी क्या क्या चीजें दी जाएंगी क्या पॉलिसीज होंगी एजुकेशन पॉलिसीज होंगी वो हर एक स्टेट अपने अकॉर्डिंग उसको तय करेगा नेक्स्ट इज कंक्यूरेंट लिस्ट ठीक है ओरिजिनली देर वर फोर्टी सेवन सब्जेक्ट इन दिस लिस्ट बट आफ्टर द फोर्टी टू अमेंडमेंट फोर सब्जेक्ट्स एंड वन मोर सब्जेक्ट्स वर एडेड ठीक है अब आते हैं हम कहा पर सूची जो संवर्ती सूची कंक्यूरेंट लिस्ट मीन्स है ऐसी लिस्ट जिसमें जिस पर सब्जेक्ट पर जो सब्जेक्ट शामिल हैं उन पर स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ मेकिंग कर सकती है और यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ मेकिंग कर सकती है ऐसे 47 सेवन सब्जेक्ट थे से, लेकिन जो बयालीसवा संविधान संशोधन किया गया उसके बाद इसमें ये ऐसे मैटर्स हैं जोड़कर कितने हो गए फोर्टी सॉरी फिफ्टी ठीक है इसमें कौन कौन से मैटर्स शामिल हैं हम देख लेते हैं द प्रजेंटली देर आर फो फिफ्टी टू सब्जेक्ट्स लाइक दैट मैरिजेस डाइवोर्स ट्रस्ट एंड ट्रस्टीज़, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ एंड प्रोटेक्शन ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल इंश्योरेंस, लेबर वेलफेयर आर सम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ये जितने भी सब्जेक्ट्स मैंने आपको पढ़ के बताए ये किसमें आते हैं कंक्यूरेंट लिस्ट में आते हैं ठीक है जैसे कि मैरिजिस uh, मतलब विवाह और डाइवर्स मतलब तलाक और uh, जो ट्रस्ट और ट्रस्टी बनाए जाते हैं वो और वन्य जीवों से संरक्षण से लेकर के या वन जीव जंतुओं या पक्षियों के संरक्षण से लेकर जो भी कानून बनाए जाएंगे सामाजिक सुरक्षा कैसी होगी बीमा पॉलिसीज और लेबर लेबर वेलफेयर मीन्स श्रमिकों के कल्याण के लिए क्या काम किए जाएंगे ये सब समवर्ती सूची या कंक्योरेंट लिस्ट में शामिल है एक यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगी जैसे कंक्योरेंट लिस्ट में जो 52 सब्जेक्ट हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार लॉ मेकिंग का अधिकार यूनियन गवर्नमेंट के पास भी है और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है लेकिन अगर किसी एक ही सब्जेक्ट पर किसी एक ही विषय पर दोनों गवर्नमेंट ने कानून बना दिए स्टेट गवर्नमेंट ने भी उसी विषय पर कानून बना दिया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बना दिया तो जो वरीयता है जो प्राथमिकता है, है ना वो किसको दी जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया है उस कानून को माना जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के कानून को नहीं माना जाएगा है ना बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन फ्रेम लॉज ऑन सब्जेक्ट कंटेंट इन द कंक्यूरेंट लिस्ट बट अ लॉ हैज बीन इनेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट सेल बी इन फोर्स है ना कौन सा होगा दोनों नहीं बना दिए लेकिन फोर्स में कौन सा होगा कौन सा लॉ माना जाएगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है और नेक्स्ट है रेसिडियल पावर रेसिडियल पावर का मतलब है अवशिष्ट शक्तियां इन तीनों ही लिस्ट में है ना इन इफ सर्टेन सब्जेक्ट रिमेन ओवर एंड एबव द थ्री लिस्ट सच सब्जेक्ट साल बी विद द यूनियन गवर्नमेंट इन तीनों सूचियों के अत, में जो विषय के अलावा जो विषय बचते हैं उनको इसमें आ, रेसिडियल आ, पावर्स वाली सूची में रखा गया है और इन पे जो लॉ मेकिंग का काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है आज के लिए इतना ही और आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ओके थैंक यू